हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज बना रहे हैं कुछ ऐसा जो छोटे से लेके बड़ों तक कुछ सबको पसंद आता है। हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, भाखरी पिज़्ज़ा। एकदम हेल्दी वर्जन है ये पिज़्ज़ा का, ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ और यीस्ट के इस्तेमाल के बगैर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाखरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 कप भाखरी के आटे की। ये रेगुलर वाले आटे से थोड़ा सा मोटा वाला होता है, इस तरह का। इसी के साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप रेगुलर वाला आटा, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो वाला। 1 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पे आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है और एक डो तैयार कर लेना है। इसका आटा हमें थोड़ा सख्त ही रखना है। हम जो घर में रेगुलर रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं उससे ये थोड़ा सख्त ही रहेगा। और लगभग 1 कप से भी कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये आटा तैयार करने के लिए। इस तरह का सख्त आटा तैयार करने के बाद हमें इसे इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। जितना आटा मैंने यहाँ पे रेडी किया है उसमें से 8 से 10 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे, जिस साइज़ के पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ उस साइज़ के। अगर आप छोटी छोटी साइज़ के बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आराम से 20 से 25 पिज़्ज़ा इतने डो में से बन जाएंगे। हमने जो पोर्शंस रेडी किए हैं उसमें से इस तरह की लोई तैयार कर लेनी है और इसे अब हमें बेल लेना है। मैंने अभी इसे इतना मोटा बेला है, आप चाहें तो थोड़ा और मोटा रख सकते हैं। इस तरह से बेलने के बाद मैं एक ढक्कन की सहायता से इसे शेप दे रही हूँ। किसी भी डिब्बे का इस तरह का ढक्कन लेके आप पिज़्ज़ा को आराम से शेप दे सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जो भी पिज़्ज़ा है वो एक ही साइज़ के तैयार होंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटी कटोरी की साइज़ का भी पिज़्ज़ा का शेप दे सकते हैं। और अगर आप इस तरह से पिज़्ज़ा को कट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसमें एक फोर्क की मदद से या फिर चाकू की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना है, ताकि बाद में जब हम इन्हें सेके तो भाखरी फूले नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए हमें जो भाखरी चाहिए वो फूलनी नहीं चाहिए, हमें फ्लैट भाखरी ही चाहिए। इसी तरह से हमें सारे डो के साथ भाखरी बेल लेनी है। ये भाखरी अब सेकने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पे तवे को हल्का सा गर्म कर लिया है और जिस साइड पे हमने भाखरी को प्रिक किया था उसे तवे के ऊपर रखना है और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे सेक लेना है। हमें इस तरह से इसे दबाते हुए सेकना है ताकि एकदम अच्छे से सिक जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। हम अभी यहाँ पे भाखरी को सिर्फ एक साइड के ऊपर सेक रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर हम इसे बाद में सेकेंगे। ये अब सिक चुकी है, इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। इस तरह से एकदम अच्छे से एक साइड पे हमने इसे सेक लिया है और दूसरी साइड को कच्चा रखा है। ऐसे ही हम सारी ही भाखरी को सेक लेंगे और रेडी कर लेंगे। अब हम एकदम इंस्टेंट वाला पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप में 3 टेबलस्पून सीजवान चटनी ऐड कर रही हूँ।
एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और एक टेबलस्पून इटालियन सीजनिंग। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। हमारा इंस्टेंट वाला पिज़्ज़ा सॉस बनके रेडी हो गया है। आपके पास अगर रेडीमेड वाला पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो इस तरह का इंस्टेंट वाला भी बना सकते हैं। अब हम भाकरी पिज़्ज़ा असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए जो भाकरी की कच्ची साइड है इसे नीचे की तरफ रखना है, और ऊपर की तरफ मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ जो अभी अभी हमने रेडी किया है। भाकरी अच्छे से हर तरफ से कवर हो जाए इस तरह से हमें इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। इसके ऊपर हमें रखना है चीज़। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिज़्ज़ा के ऊपर आप अपनी मनचाही टॉपिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बॉयल्ड कॉर्न है। आज मैं कॉर्न के अलावा कैप्सिकम, टमाटर और प्याज का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, और अगर आप चाहें तो मशरूम, ऑलिव्स या फिर पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बेल पेपर रख रही हूँ। मेरे पास येलो और रेड दोनों वाले हैं। इस तरह से मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। सारी वेजिटेबल्स को इस तरह से छोटे टुकड़ों में करने से हमें इन्हें रखने में भी आसानी होती है और खाने में भी आसानी होती है। आपके पास इसमें से जो भी वेजिटेबल्स हो उसके साथ आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। एक या दो टॉपिंग्स ऐड करके भी ये पिज़्ज़ा बन सकता है। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन कैप्सिकम रख रही हूँ। इससे जो हमारा पिज़्ज़ा है वो एकदम कलरफुल हो जाएगा। दिखने में सुंदर होने के साथ साथ ये पिज़्ज़ा एकदम हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड की है तो ये ऑटोमेटिकली हेल्दी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर टमाटर रख रही हूँ, पर टमाटर जब आप इस्तेमाल करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो बीज होते हैं उसे निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही आप टमाटर यूज़ कीजिएगा, वरना फिर आपका पिज़्ज़ा सॉगी हो जाएगा। और लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज के भी मैंने इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और मोज़रेला चीज रख रही हूँ। भाकरी पिज़्ज़ा को हम तवे के ऊपर बेक करने वाले हैं। तवे को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है और भाकरी पिज़्ज़ा को ढक्कन लगाकर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए बेक कर लेना है। इसके ऊपर का सारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे बेक करेंगे। हमारा एकदम यमी भाकरी पिज़्ज़ा बनके तैयार है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। यमी होने के साथ साथ ये एकदम हेल्दी भी है। तो जल्दी से जाइए, बनाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ क्विक कुकिंग विद तोरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।